कसूत खबराई से रेवाड़ी थे। रेवाड़ी में एक 71 साल का बुजुर्ग जिसने सरकारी योजनाएं का लाभ नहीं मिलने लायक रहा, वो सीधा मोड़ बांध के डीसी ऑफिस में पहुंच गया और डीसी ऑफिस में पहुंच के ने डीसी साहब तक कही कि डीसी साहब के तो मेरी फैमिली आईडी बनवा दो और नहीं मेरा ब्याह करवा दो। परिवार पहचान पत्र न होने के कारण ताऊ की पिल्सन ना बन दी, क्योंकि एकला आदमी की फैमिली आईडी ना बन दी, जिसके बाद में ताऊ दुखी कति परेशान हो कि ने सीधा मोड़ बांध की ने डीसी दफ्तर में जा खड़ा हुआ। तो यह फैमिली आईडी गढ़ाए का सिर का दर्द बन रही है, लेकिन ताऊ सतबीर का इसने करड़ाए दर्द कर रखा है, क्योंकि ताई ने भी जाए 6 साल हो गए। एक तो ताऊ एकला, ऊपर तो ऑफिसा के चक्कर काटने पड़े हैं, डबल परेशानी होगी। प्रशासन आले बार बार नु कहते हैं कि फैमिली आईडी की कमियां ने ठीक करने लग रही है, लेकिन यो कंटिन्यूस टेंस पास्ट टेंस में कर बदलेगा, इसका इंतजार तो सब हरियाणा करने लग रहा है। लेकिन इस बात का बेरा प्रशासन ने भी कोनी, फैमिली आईडी ने लेकिन ने लोगों की जो शिकायत सही ये कद दूर होंगी। प्रशासन आले दुनिया जान के प्रोग्राम करके छिक लिए, गांवों में जिले में मेले लगा लगा छिक लिए, लेकिन उन तो यो फैमिली आईडी की समस्या का समाधान होने नहीं लग रहा। फैमिली आईडी ने लेकी परेशान एकला तो सतबीरे को नहीं, इसे गणेश हैं। बहुत सारे ताऊ हैं, बहुत सारी ताई हैं, गणे भाई हैं, गणिये बाण हैं, जो रोज दफ्तर के चक्कर काटे हैं। इस आसमय के हमारा कदे तो भला होगा। मामला से रेवाड़ी जिले के नया गांव का 71 साल का ताऊ सतबीर भी उन नेमत एक से जो फैमिली आईडी ने लेकी ने रोज दफ्तर के चक्कर काटे हैं, परेशान हो अंडे हैं। ताऊ के बालक रहे हैं दिल्ली, ताई 6 साल पहले भगवान ने पैरी होगी। गरीब से ताऊ कति एकला, गांव में एक छोटा हाथ टूटा फूटा घर से और ऊपर तक पिल्सन को नहीं आंदी। इब ताऊ एकला करे तो करे के शिकायत लेकिन सीधा डीसी ऑफिस में पहुंचा और डीसी साहब तो मिलकिन अपनी समस्या बताई और कहा कि डीसी साहब मेरी समस्या का हल करो। ताऊ बोला कि सरकार तो कह सके कि थमना दफ्तर के चक्कर को नहीं काटने पड़े, थारी पिल्सनी आप बना देंगे, सीधे थारे खाते में आओगी, फिर मेरे क्यों चक्कर कटवा रखे हैं। मैं बोलिया बहुत परेशान, ई मेरी समस्या का हल कर दो। और ध्यान देने वाली एक बात यह है कि एक ना होने के कारण जब ताऊ सतबीर की फैमिली आईडी नहीं बन रही तो फिर इसे तो देश में घने आदमी है और घने इसे है जो सरकार में बैठे हैं, सरकार चलाने लग रही है। कई बात केंद्र सरकार की करा, राज्य सरकार की करा, देश का मुखिया और प्रदेश का मुखिया दोनों एकले हैं। ताऊ सतबीर की मदद करने लग गया एडवोकेट कैलाश चंद। इस बार में कैलाश चंद ने बताया कि हम यह शिकायत लेकिन उच्च अधिकारियां तो मिले हैं और यह शिकायत ही हमने उच्च अधिकारियां द्वारा भेज दी है और जो भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो फिर आखिरी रास्ता कोर्ट का है, हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और जब बात करें डीसी साहब की तो डीसी साहब ने बुजुर्ग से पूरा आश्वासन दिया है कि तारी समस्या का समाधान कराया जाएगा, प्रत्येक नागरिक का सरकार की सारी योजनाएं लाभ लेने का अधिकार है। डीसी साहब ने भी बस इतना ही कहा, लेकिन कैमरे के सामने डीसी साहब ने कुछ नहीं कहा। इस मामले पर हम पूरी नजर बना रहे हैं और उम्मीद कर रहा कि ताऊ सतबीर की समस्या का जल्द समाधान होगा और ताऊ सतबीर नहीं इस समस्या से हरियाणा के जितने भी नागरिक परेशान हैं उन सारे की परेशानी का हल प्रशासन वाले जरूर करेंगे।